ये हमारा देसी चिकन करी, मगर खाने में आपका रेस्टोरेंट से भी बेटर लगेगी और घर की सामानों से बना हुआ। तो आप एक बार सब्सक्राइब ना कीजिए, मगर इसे एक बार बना के खा के देखिए, ये अशोक का चिकन करी है। बनाने का रेसिपी मैं इसमें से बता रहा हूँ, मगर आप अच्छे से ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं बहुत अभी नया वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए हमें इतने अच्छे से मालूम नहीं है कि किस तरीके से बताना है, लेकिन फिर भी मैं आपको अच्छे से समझा के बता दूंगा इसमें मैं। जैसे हमने चिकन कट कर लिया है, बहुत ज़्यादा छोटे पीसेस में भी नहीं है, मगर ठीक ठाक है, और इसमें हम अपना टेस्ट हिसाब से इसमें नमक डालें। उसके बाद मैंने जिंजर और गार्लिक का पेस्ट बना रखा था, तो इसमें 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला, और इसमें थोड़ी सी मैं देगी मिर्च डाला हूँ। इसे मैंने मैरिनेट करके, और थोड़ी सी चिकन मसाला भी डाल रखा हूँ 1 टीस्पून के हिसाब से, और इसे मैं मैश कर दे रहा हूँ। मैश करके लगभग 2 घंटा तक रख दें, अगर मैं मैश करके इसे 2 घंटा तक रख दूँगा। अगर आपके पास 2 घंटे की टाइमिंग नहीं है, तो आप इसमें ना 1 टीस्पून विनेगर डाल दीजिएगा। फिर मैं चॉपिंग किया हुआ लगभग 4 से 5 प्याज, मिनिमम 250 ग्राम प्याज मैं इसे मिक्सी में ग्राइंड कर दे रहा हूँ, और इसमें 1 से 2 पीस दालचीनी के टुकड़ा डाल दिया हूँ। और कढ़ाई में मैंने लगभग 30 से 40 ग्राम रिफाइंड ऑयल डाला, इसमें मैं तेज़पत्ता का 1 पीस डाल दिया, 2 दालचीनी का टुकड़ा, 1 ग्रीन इलायची, ये आपके पास काली वाली बड़ी इलायची हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और 3 से 4 लौंग, और इसमें 4 से 5 हरी मिर्च का टुकड़ा, और फिर मैंने इसमें प्याज का पीसा हुआ प्योरी डाल के इसको भून रहा हूँ। उसके बाद मैंने 3 टमाटर ले रखा हूँ, और इसे भी प्योरी के लिए मैंने चॉप कर लिया हूँ। इसमें मैंने टमाटर की प्योरी भी डाल दिया हूँ, इसको हम लोग अच्छी तरह से भून लें, प्याज की प्योरी और टमाटर की प्योरी, इसको अच्छी तरह भून लें, थोड़ा सा पानी इसमें सूख जाए। अगर एक बार आप इसका स्मेल भी ले लें, अगर प्याज की स्मेल ज़्यादा आ रही है, तो इसमें 1/2 कप पानी डाल के फिर भून सकते हो। इसमें मैं धनिया पाउडर की 2 स्पून डाला हूँ, और थोड़ी सी पानी, कि धनिया पाउडर हमें अगर मसाला के साथ भून लेता हूँ तो खाने में ये डस्ट की तरह नहीं लगेगी। और फिर मैंने जो मैरिनेट किया हुआ चिकन कढ़ाई में डाला, और फिर मैं इसे मैश कर दे रहा हूँ। और फिर टेस्ट हिसाब से मैंने नमक पहले भी डाल रखा था, लेकिन अभी भी मतलब मसाला अकॉर्डिंग हिसाब से मैं थोड़ा सा नमक इसमें डाल रहा हूँ, या अंदाज रख लीजिए। और फिर मैंने 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट इसमें ऐड किया, और फिर इसे मैश कर रहा हूँ, और एक जगह क्रैक करके इसे मैं ढक दिया, और फिर इसमें मैंने थोड़ा सा चिकन मसाला, जैसे कि 1 टीस्पून से 1.5 टीस्पून के आसपास, थोड़ी सी कलर के हिसाब से और तीखी के हिसाब से मैंने देगी मिर्च भी तो डाल रखा हूँ। फिर इसे मैंने मैश कर रहा हूँ, मैं इसे चला रहा हूँ, चलाने के बाद मैं इसे ढक दूंगा, और इसे आप हर 5 मिनट के बाद लगभग इसको चलाते रहिएगा, वरना नीचे से चिपक जाएगा, लगभग
15 से 20 मिनट तक इसको चलाते रहना है जब तक मसाला अच्छी तरीके से ना पक जाए। और उसके बाद मैंने देख रहा हूँ कि कितने क्वांटिटी में ये आपकी पक चुकी है, ये लगभग 75% हमारा चिकन पक चुका है। मैं इसे 4 से 5 बार ढका और चलाया 15 से 20 मिनट के बाद। मैं इसे चेक कर रहा हूँ फोर्क से, फिर मैंने नीचे से मसाला लग रही है और इसे मैं इसमें अब मैं गर्म किया हुआ पानी ऐड किया हूँ। ठंडा पानी से टेस्ट वो कम हो जाती है, तो इसके वजह से मैंने गर्म पानी इसमें ऐड करके इसमें गर्म पानी का ऐड किया हूँ। तो आपका किस हिसाब से आपको ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से इसमें लगभग मैंने इसमें 200 ग्राम के आसपास पानी डाला हूँ, 200 मिले। और ऊपर से थोड़ी सी कस्तूरी मेथी मैंने डाल रखा हूँ, एमडीएच का कोई भी मसाला बेटर है। कोई चीज़ आपका काला ना नहीं करेगी, मतलब कलर भी अच्छी और टेस्ट भी बहुत तगड़ी आएगी। तो इसमें कस्तूरी मेथी डाल कर मैंने मिला दिया और इसे चला के फिर मैं ढक दूँगा। जी टूथपिक से मैं चिकन चेक कर रहा हूँ, हमारी चिकन पक चुकी है। अब मैंने इसे निकाल के एक डोंगा में लेआउट करूँगा। और उसके ऊपर से फिर मैं गार्निश थोड़ा धनिया पत्ता का कर रखा हूँ, धनिया पत्ता की गार्निश कर रखा हूँ। और एक सजाने के लिए टोमेटो का एक कमल का फूल बना रखा हूँ। आप मतलब कोई भी चीज़ें भी सजा सकते हो, ऊपर से आप ऐड कर सकते हो।